हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज आपके सामने हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेकर आए हुए हैं, जिसके एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 जो है लगा करके मैंने जो है प्लेलिस्ट में रख दिया है, ठीक है। और प्लेलिस्ट होम पेज में ही बेटा आने लगा है, जो अलग से जो है उसमें जो है प्लेलिस्ट तो बना है, लेकिन जैसे हम क्लास 11, क्लास 12, क्लास ठीक है बीएससी या टेट सुपर टेट जो बनाए हैं वो होम में ही अच्छे से जो है बढ़िया से लिखा हुआ है। तो आप उसको जब स्क्रॉल करोगे ऊपर की ओर तो आपको सब अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आज हम जो है 11.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कारण है कि इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने बना के रख दिया है। और अगर जो है आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएँ। देखिए, जो प्रश्न जो हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आई बटन है, इस आई बटन को दबाओगे तो पूरे जो है आपका प्ले मतलब पूरा वीडियो इसके खुल जाएंगे, ठीक है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, इसमें लिखा है हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड यू आर टू यूज हियर फाई इक्वल टू 3.14। क्लियर। सो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा है कि हम यहाँ पर गिवन लिखें। तो स्टूडेंट देखिए, गिवन में हमारा क्या जाएगा, गिवन में है कि हाइट ऑफ अ कोन, तो यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ कोन लिख दोगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ कोन, ऑफ अ कोन, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए कितना, इसको यह चमा लीजिए और ये वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और वैल्यूम जो दिया है कोण का, ठीक है, वैल्यूम ऑफ आ कोण, तो कोण का जो बेटा वैल्यूम दिया हुआ है वो लिखा है, वैल्यूम को वी से हम लिखते हैं, वो ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब। पहचानने का भी तरीका है, अगर यहाँ पर क्या लिखा, क्यूब लिखा तो समझ जाइए कि ये क्या है, वॉल्यूम है। और अगर यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा हो तो समझ जाइए कि एरिया है। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो जो जिसको निकालना होता है उसको यहाँ टू फाइंड में लिखते हैं। तो टू फाइंड में आप किसको लिखोगे, देखिए क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस, तो यहाँ लिख दीजिए रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। अब आप कहोगे सर बेस का रेडियस कैसे निकालोगे, तो देखिए मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था, देखिए एकदम सिंपल, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ये कोन का शेप है, कोन इसी प्रकार का होता है, ठीक है। अगर इस शेप में कोई चीज़ आपको मिल जाता है तुरंत आप समझ जाओगे कि कोन है। अब यहाँ पर देखिए जो है कह रहा है क्या, इसमें रेडियस ऑफ द बेस पूछ रहा है, तो बेस इसमें देखिए कौन है, ये बेस है, ठीक है, ये बेस देख रहे हो ना। अब इसका रेडियस, ये डायमीटर है, और आधा कर दिया तो क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये आधी जो लंबाई है इसकी, डायमीटर की आधी लंबाई इसको पूछ रहा है आपको। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बाहर वाला जितनी भी एरिया को हम टच कर सकते हैं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी चीज़ भरा जा सकता है उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम का फार्मूला होता है मोना पान 3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए ये वॉल्यूम लिखा है, मतलब इतना चीज़ इसमें भरा जा सकता है, इस वाले में जहाँ हम हाथ यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को लगाते हैं, बहरहाल यहाँ पर बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए सब, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो ये फिगर बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये फिगर यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये हाइट है, ये जो देख रहे हो ये हाइट है, तो ये इक्वल टू कितना लिखा है, 15 सेंटीमीटर लिखा है। और क्या दिया, ये पूछ रहा है रेडियस, इस रेडियस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखोगे आप क्या, यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे, और इस सोल्यूशन में आप देखिए अब क्या करोगे, आप लिखोगे वी नो दैट, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं, व्हाट यू आर टू नो है, वैल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। और जैसा कि वैल्यूम ऑफ कोन ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 570, तो आप यहाँ लिख दोगे 570 लिख दोगे, ठीक है, 1570, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3 पाई की वैल्यू ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू जो है भैया आपको क्या रखना है, पाई इक्वल टू 3.14 रखना है, तो यहाँ पाई की जगह पे आपको 3.14 रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर तो है ही है, एच की वैल्यू यहाँ पर 15 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब एक काम करिएगा, देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है,
15 लिखा है, 70 लिखा है, लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है आर के, तो जब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर 5 जो है आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ भी आर स्क्वायर आप लिख दोगे। अब एक काम करिए, काम क्या करोगे उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इससे इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो भाई 5 1 5 और 5 3 15 कट गया ना इसमें, और इसको काटिए अब, तो 5 1 5 ठीक है, कितना बचेगा बोलो, 2 बचा, 20 हो गया, 5 4 20। तो स्टूडेंट इसको आप साफ साफ थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड में लिख लीजिए, ठीक है, जगह अब इसके नीचे नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर हो गया 3 1 4 upon 3.14 इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो आप कुछ ना करा करो, जब कभी पॉइंट आपको हटाना हो तो 2 नंबर के बाद लगा है तो ऊपर नीचे जो है 2 0 अर्थात 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो जब करोगे आप यहाँ पर तो ये देखिए इतना हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1400, और नीचे देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 देखिए 3 1 4 0 और नीचे भी आ गया 3 1 4, और यहाँ पर आर स्क्वायर तो है ये, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 100 बचा आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 100। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर, बट यू आर व्हाट यू आर टू फाइंड रेडियस ऑफ दी वेस, तो रेडियस ऑफ दी वेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे इसलिए देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, आप क्या किसके बेस का, कोण के, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अगर उम्मीद कर रहा हूँ अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं अब, और अब आइए जो है इसी का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए कुछ बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, इसको समझ लीजिए, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ तो आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, देखिए इफ़ द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 π cm³, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, क्लियर। सो गिवन क्या है, पहले इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि सपोज करो ये हमारा क्या है, ये मतलब कोन है, और इस कोन की हाइट बेटा क्या दे रखा है, इस कोन की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका वॉल्यूम की अगर बात करें हम तो वो लिखा है 48 π लिखा है। तो इसमें डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर के अगर हम इतनी बात करें तो ये रेडियस होगा, इधर की भी बात करें तो रेडियस, जब दो रेडियस आपस में जोड़ देते हैं तो डायमीटर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, पहले तो गिवन लिखते हैं, गिवन में देखिए क्या लिखा है, गिवन में लिखा है हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इसको एच से दिखा देते हैं हम यहाँ पर, और ये वैल्यू लिखा है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया है वैल्यूम ऑफ कोन, इसको वी से दिखा देते हैं, और ये वैल्यू दिया है 48 π दिया है, और सेंटीमीटर क्यूब, देखिए वॉल्यूम है इसीलिए जो है यहाँ पर क्यूब लिखा है, और ये देखिए क्या है, ये आपका जो है हाइट है, 1 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ वॉल्यूम को ही कैपेसिटी ऑफ कोन भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा, तो ध्यान रखे रहना इस चीज़ को। फिर दूसरी चीज़ क्या निकालना है आपको, टू फाइंड, देखिए फाइंड में लिखोगे डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यू आर टू फाइंड दिस, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके, सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1 upon 3 π r² h, दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन, एंड वी नो दैट हियर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवेन हियर व्हाट 48 π, देन यू विल राइट हियर 48 π इन प्लेस ऑफ वैल्यूम ऑफ कोन, सो दिस बिकम टू 1 upon 3 π r² h, एंड
पाई एंड पाई विल बी कैंसिल आउट एंड इन प्लेस ऑफ एच व्हाट यू कैन से, यू कैन से यू कैन पुट हियर 9, सो 3 3 9, नाउ दिस बिकम टू 48 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू इन टू 3, नाउ यू कैन ट्रांसफर इट, क्लियर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए ये किस में है, उसमें है मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सो दिस बिकम टू 48/3 इक्वल टू आर स्क्वायर, नाउ इट कैन बी 3 1 3 व्हेन यू विल कैंसिल इट एंड 1 लेफ्ट हियर दिस बिकम टू 18, 3 6 18 इक्वल टू आर स्क्वायर, नाउ इट कैन बी आर स्क्वायर इक्वल टू 16, सो आर इक्वल टू व्हाट विल बी अंडर रूट 16 एंड इन दिस वे यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर 4, क्लियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमीटर रेडियस ऑफ द कोन, बट यू हैव टू फाइंड हियर व्हाट डायमीटर ऑफ इट्स बेस, देन हियर यू विल राइट डायमीटर ऑफ इट्स बेस इक्वल टू व्हाट यू नो दैट हियर 2r, सो इन प्लेस ऑफ आर यू हैव टू पुट हियर 4 एंड इन दिस वे दिस बिकम टू 8, सो डायमीटर ऑफ कोन विल बी 8 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर आंसर, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि वैल्यूम यहाँ पर दिया था मैंने, देखिए क्या लिखा वैल्यूम ऑफ द कोन फार्मूला लिख दिया, और देखिए वैल्यूम ऑफ कोन की जो वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, पाई से पाई काट दिया भाई, 3 1 3 3 3 9 क्योंकि एच की वैल्यू 9 था, ठीक है, यहाँ पर 3 आया, यहाँ तक 3 लिख दिया, ये चीज़ हो गया, अब 3 मल्टीप्लाई में इधर चला गया डिवाइड में हो गया, ठीक है, अब एक काम करेंगे 3 से काटो इसको, तो 3 1 3 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18, तो देखिए यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिख दिया 16 आ गया ना इसमें, तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, अब देखिए आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दो गुना होता है, माने 2 times होता है, इट मीन्स आपको जहाँ पर लिखोगे डायमीटर ऑफ इट्स बेस वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू में 2r, और वैल्यू रख दीजिए आपका आ गया, अगर ये वीडियो अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें, थैंक यू।